अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बॉम्ब से ज्यादा शक्तिशाली हथियार यूक्रेन को मुहैया करा सकता है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस खास रिपोर्ट में देखिए पूरी खबर। बात सिर्फ क्लस्टर बॉम्ब तक सीमित नहीं है। अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स यानी अटैक एमएस दे सकता है। अटैक एमएस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसकी फायरिंग रेंज 300 किलोमीटर तक है, जिसका वॉरहेड समेत वजन 1670 किलोग्राम है। यह सिस्टम जीपीएस गाइडेड सिस्टम के तहत काम करता है। इसे यूक्रेन हाईमार्स से लॉन्च कर सकेगा। इस मिसाइल से यूक्रेन रूस के अंदर उसके सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकेगा। ये वो मिसाइल सिस्टम है जिसकी जद में रूस के कई शहर आ जाएंगे। क्रीमिया, सेवेस्टोपोल, बेलगोरोद, कुर्स्क, रोस्तोव, ये रूस के वो इलाके हैं जो अटैक एमएस की जद में आ जाएंगे। ज़ेलेंस्की की सेना इन्हें इलाकों पर विध्वंसक प्रहार करेगी। यूक्रेन का काउंटर अटैक नाकाम हो चुका है। यही वजह है कि अमेरिका के साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने भी यूक्रेन को घातक हथियार देने की घोषणा की है। जाहिर है यूक्रेन आने वाले वक्त में अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों से रूसी जमीन पर बारूदी प्रलय लाएगा। ज़ेलेंस्की की सेना का यही कदम एटमी विनाश की वजह बनेगी। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि अगर पश्चिमी देशों के हथियारों से रूसी जमीन पर हमला हुआ तो एटमी जलजला तय है। यूक्रेन ने अगर अमेरिका से मिले लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया तो फिर रूस के राष्ट्रपति भी न्यूक्लियर बम धमाने से गुरेज नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि पुतिन का एक ऑर्डर और फिर शुरू हो जाएगा परमाणु प्रलय। पुतिन के पास अब एक ही विकल्प बचा है और वो है परमाणु प्रहार। वैगनर विद्रोह के बाद क्रेमलिन पर जल्द युद्ध खत्म करने का दबाव बहुत बढ़ गया है। रूस के लोग और वहां के डिफेंस एक्सपर्ट्स एटमी हमले की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिकी हथियारों से रूसी धरती पर अटैक हुआ तो पुतिन को मौका मिल जाएगा। उसके बाद जिस तरह की न्यूक्लियर सुनामी आएगी उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।